कक्षा 3 की इंग्लिश का चैप्टर है द मंकी एंड द एलिफेंट। उसकी एक एक्टिविटी है जो कि पेज नंबर 39 पे है। सबसे पहले हम इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द जू, ठीक है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। यू मे यूज ए प्रेपोजिशन मोर देन वंस। यानी कि क्या लिखा हुआ है, पिक्चर को ध्यान से देखना है, ये जू की तस्वीर है, जू होता है चिड़ियाघर। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, उस पर कुछ बंदर बैठे हैं जो हाथी की तरफ देख रहे हैं, हाथी भी उनकी तरफ देख रहा है। ये क्या है, हॉर्स है, ये डीर है जो कि पेड़ के नीचे हैं, और यहाँ पर कुछ फल लगे हुए हैं और कुछ फल नीचे गिर रहे हैं। और इसका थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, क्या लिखा हुआ है, स्टार जू, यानी कि इस चिड़ियाघर का क्या नाम है, स्टार जू। टाइमिंग क्या है, 10:30 AM to 5 PM तक। जू क्लोज्ड ऑन मंडे, मंडे को बंद रहता है। एंट्री टिकट क्या है, 5 रुपीज़ चिल्ड्रन के लिए और 10 रुपीज़ अडल्ट के लिए। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि नीचे आपको पेज नंबर अगला आ गया है ना, 40, यानी कि 40 नंबर पेज। तो यहाँ पर आपको चार हेल्प बॉक्स में चार प्रेपोजिशन दी गई है। सबसे पहले होता है ऑन, ऑन के मतलब होता है ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर। इन यानी कि में, एट उसके या कुछ भी है, पर अंडर नीचे, ठीक है। इन प्रेपोजिशन को, यहाँ चार प्रेपोजिशन है और सेंटेंस कितने हैं, छह, देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेपोजिशन कहीं ना कहीं दो बार भी आएंगी, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको इस पिक्चर की सहायता से आपने भरना है। चलिए इसको करते हैं। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है द एनिमल्स आर डैश द जू। एनिमल्स कहाँ हैं, जू के अंदर है ना, जू के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, इन द जू, अंदर के लिए या मे के लिए क्या आता है, इन। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, इन, आई, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि मैं लिख सकूँ, आई ये हो गया, इसको पहले आई एन इन इन द जू। दूसरा है द मंकीज आर लुकिंग डैश द एलिफेंट। हमने पिक्चर में क्या देखा, ये बंदर क्या है, किसकी तरफ देख रहे थे, हाथी की तरफ देख रहे थे ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, द मंकीज आर लुकिंग एट द एलिफेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एट, एटी एट, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, द मंकीज आर प्लेइंग, यानी कि बंदर खेल रहे हैं, डैश द ट्री। ट्री पर कहाँ है बंदर, आप ध्यान से देखो, ट्री के ऊपर है ना, ऑन द ट्री, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन द ट्री। ये हो गया। चौथा क्या है, द जू रिमेन क्लोज्ड, यानी कि चिड़ियाघर बंद रहता है, डैश मंडे, मंडे को बंद रहता है। तो हमने यहाँ क्या देखा था, ये देखो, जू क्लोज्ड ऑन मंडे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑन, हमें यहाँ से मिल गए हैं ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन। इसमें कैपिटल अक्षर नहीं आएगा, सारे छोटे आएंगे क्योंकि बीच में है ये लाइन के। द हॉर्स इज डैश द ट्री, यानी कि घोड़ा कहाँ पर है, यहाँ पिक्चर में हमने देखा है, ट्री और घोड़े में क्या संबंध है, घोड़ा कहाँ है, ट्री के नीचे है, तो क्या आ जाएगा, अंडर द ट्री। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर द ट्री। अगली लाइन है, द जू ओपन्स डैश 10:30 AM एंड क्लोज्ड 5 PM, डैश PM है। तो अब हम क्या लगाएंगे, एट, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एट, चलिए लिख देते हैं, एट यहाँ पर भी आएगा, टाइम के लिए एट आता है, यहाँ पर भी एट आएगा। तो हम अपनी लाइनें देखते हैं क्या बना है, ध्यान से देखिए। द पहली लाइन है द एनिमल्स आर इन द जू, दूसरी लाइन है द मंकीज आर लुकिंग एट द एलिफेंट,
तीसरी लाइन है द मंकीज आर प्लेइंग ऑन द ट्री। चौथी लाइन है द जू रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। पांचवी लाइन है द हॉर्स इज अंडर द ट्री। और छठी लाइन क्या बन जाएगी, द जू ओपन्स एट 10:30 AM एंड क्लोज्ड एट 5 PM। इस तरह से हमारी 6 की 6 लाइन पूरी हो जाती हैं। उसके बाद देखो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को बढ़ाती है। आपने क्या करना है, दो बच्चे हैं तो दो, एक एलिफेंट बन जाएगा एक मंकी। अगर ग्रुप में हैं तो बारी बारी से बच्चों की बारी आएगी, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाना है। तो पहला बच्चा जो एक ग्रुप का है वो बोलेगा, एलिफेंट बन के बोलता है, हेलो मंकी हाउ आर यू। ठीक है, यानी कि वो मंकी को हेलो कह रहा है, अभिवादन कर रहा है, नमस्ते कह रहा है और पूछ रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो। मंकी दूसरे ग्रुप में या दूसरी टीम का बच्चा एक मंकी बना हुआ है, वो बोलता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। एलिफेंट कह रहा है आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना पसंद करते हो। मंकी यानी कि जो मंकी बना हुआ बच्चा वो कहेगा आई लाइक बनानाज, मुझे केले पसंद है। व्हाट अबाउट यू, और तुम्हें क्या पसंद है। एलिफेंट कहता है आई लाइक शुगर केन्स, यानी कि मुझे गन्ने पसंद है, शुगर केन होते गन्ने। मंकी कहता है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, हाउ अबाउट यू, यानी कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, भूखे हो कि नहीं हो। एलिफेंट कहता है आई टू फील वेरी हंग्री, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। लेट्स लुक फॉर बनानाज एंड शुगर केन, आओ चलकर देखते हैं केले और शुगर केन यानी कि गन्ने कहाँ पर है। कम एंड सिट ऑन माई बैक, आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बैक होती है पीठ या पिछला हिस्सा। मंकी क्या कहता है लास्ट में, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरह से एक छोटी सी कन्वर्सेशन है जो आप दो ग्रुप में बनकर बारी बारी से बच्चे, जो एक ग्रुप के एक एलिफेंट बने हुए हैं दूसरे के मंकी, और ये एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लो ग्रुप में चार चार सदस्य आए हैं, चार चार हैं, तो पहले दोनों टीम के एक एक बच्चे एक मंकी बनेगा एक एलिफेंट, ये एक्टिविटी पूरा कर लेगा। फिर दोनों टीम में से दूसरे दूसरे बच्चे निकल कर एक मंकी बनेगा एक एलिफेंट और ये एक्टिविटी पूरा करेंगे। यानी कि इस तरह से चार बार में वो पूरी टीम में एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेज नंबर कौन सा है ये, 41 पे। यहाँ पर देखो एक टाइम टेबल दिया हुआ है, यहाँ देखो लुक एट द टाइम टेबल गिवन बिलो। जैसे आपके स्कूल का टाइम टेबल होता है ना कि अभी इतने टाइम पर ये पीरियड लगेगा, दूसरा पीरियड इतने टाइम से इतने टाइम तक लगेगा और कौन लगाएगा, ये इस तरह से। इसी तरह क्या है, ये जू का भी एक टाइम टेबल है। यहाँ क्या लिखा हुआ, टाइम टेबल ऑफ VPP इंटरनेशनल जू, यानी कि इस जू का क्या नाम है, VPP इंटरनेशनल जू, ये जू का नाम है। अब उसके बाद देखते हैं हम एक एक करके क्या लिखा हुआ है। संडे, संडे का मतलब क्या होता है, रविवार। स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इस दिन संडे को स्पेशल डिस्काउंट होता है, छूट होती है। ठीक है, मंडे, मंडे के दिन क्या है, रिमेन क्लोज्ड यानी कि बंद रहता है, किस लिए बंद रहता है, क्लीनिंग ऑफ केजेज एंड एनिमल्स, यानी कि उस दिन सफाई होती है किसकी, जहां पर जानवर रहते हैं, केजेज होते हैं पिंजरे और एनिमल्स, और जानवरों की साफ सफाई की जाती है। नंबर 3 पे है ट्यूजडे, ट्यूजडे को क्या होता है, डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज ऑन वाइल्ड लाइफ, जंगलों की जो जिंदगी है जानवरों की उस पे छोटी फिल्में या मूवीज डिस्प्ले होती हैं। नंबर अगला है वेडनेसडे को क्या है, मैजिक शो, मैजिक शो होता है वेडनेसडे को। और थर्सडे को क्या है, मेडिकल चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स एंड वर्कर्स ऑफ जू, यानी कि एक तो जानवरों का मेडिकल चेकअप, यानी कि देखा जाता है कोई बीमार तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दूसरा क्या करते हैं, जानवरों का वैक्सीनेशन यानी कि उसको टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और किसको लगता है, वर्कर्स ऑफ जू, जो चिड़ियाघर में काम कर रहे हैं बंदे उनको लगाया जाता है जिनको ज़रूरत हो। फ्राइडे, फ्राइडे को क्या है, फिलिंग ऑल द वाटर पूल्स विद फ्रेश वाटर, सारे जो वाटर पूल्स हैं यानी कि तालाब हैं जिनमें पानी भरा जाता है उसमें क्या करे जाते हैं, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी भरा जाता है। उसके बाद सैटरडे को क्या है,
ओपन पेंटिंग, यानी कि ओपन पेंटिंग है या स्लोगन राइटिंग है, स्लोगन लिखना है, वो कंपटीशन होता है ऑन प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगलों की जो जंगली जीवन है उनकी सुरक्षा के लिए, जो जानवरों की जिंदगी है उनकी सुरक्षा के लिए पेंटिंग या फिर उन पे आधारित कुछ स्लोगन लिखने होते हैं, नारे। ठीक है, ये हमारी 7 के 7 दिन की एक्टिविटी है। इसके आधार पर नीचे क्या है, हमने नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेज ऑफ द वीक, हमने इसके आधार पर ये कुछ पूछा गया है और एक एक ये खाली छोड़े हुए हैं, इनमें क्या है, हमने नेम ऑफ डेज लिखना है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक करके दिखाया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला है क्लीनिंग ऑफ केजेज एंड एनिमल, यानी कि जो पिंजरे और जानवरों की सफाई है वो किस दिन की जाती है, मंडे को। देखते हैं हम मंडे के दिन है, ये करके दिखाया हुआ है मंडे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना क्लीनिंग ऑफ केजेज, तो इसका मतलब ये करेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह हमने डेज के नाम लिखने हैं। सेकंड देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन कैन इंजॉय मैजिक शो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक शो, मैजिक शो किस दिन इंजॉय कर सकते हैं, आइए देखते हैं हम मैजिक शो, ये रहा यहाँ पर है मैजिक शो, किस दिन है, वेडनसडे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेडनसडे, थोड़ा मैं बड़ा करके यहाँ पर लिख देती हूँ, वेडनसडे, WED, यहाँ पर डेज के नाम है तो W बड़ा आएगा, बाकी सारे छोटे आएंगे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, ये पूरा हो गया, फुल स्टॉप आ जाएगी। अगली लाइन देखते हैं क्या है, ऑन डैश, ठीक है, मेडिकल चेकअप्स, मेडिकल चेकअप किए जाते हैं, एंड वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स एंड वर्कर्स ऑफ जू इज डन, किस दिन की जाती है, आइए देखते हैं मेडिकल चेकअप, ये देखो यहाँ पर मिल गया हमें मेडिकल चेकअप एंड वैक्सीनेशन किस दिन है, थर्सडे को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्सडे, यहाँ पर टी बड़ा आएगा, THURSDAY, थर्सडे, ठीक है। अगला चौथा है जू ऑफर स्पेशल डिस्काउंट टिकट्स, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन ऑन डैश, किस दिन स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं, जो हमने पहले पहले लाइन देखी थी, स्पेशल डिस्काउंट टिकट संडे के दिन, तो हम यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या भर देंगे, संडे, चलिए यहाँ लिख देते हैं संडे, SUNDAY, संडे, और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद आगे है पांचवें नंबर पे है वर्कर्स ऑफ जू, यानी कि चिड़ियाघर के जो है, फिल फ्रेश वाटर इन पूल्स, तालाब में पानी को ताज़ा भरते हैं, ऑन डैश, किस दिन भरते हैं, आइए देखते हैं हम किस दिन भर रहे हैं, ये रहा फिलिंग ऑल द वाटर पूल्स विद फ्रेश वाटर फ्राइडे को, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्राइडे, पांचवें नंबर वाले में लिख देंगे फ्राइडे, चलिए लिख देते हैं हम FRIDAY, फ्राइडे। उसके बाद क्या है, ऑन डैश वी कैन, ठीक है, इंजॉय द डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज ऑन वाइल्ड लाइफ इन द जू, किस दिन शॉर्ट मूवी को इंजॉय करते हैं, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट मूवी, ये यहाँ पर था, ये रहा डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट मूवीज, किस दिन है, ट्यूजडे का, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्यूजडे, TUE, यहाँ पर से कर लेते हैं हम TUESDAY, ट्यूजडे, ठीक है। उसके बाद है चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट इन एन ओपन कंपटीशन ऑन डैश, ओपन कंपटीशन किस दिन होते हैं, आइए देखते हैं, ये रहा ओपन पेंटिंग स्लोगन राइटिंग कंपटीशन किस दिन है, सैटरडे को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे, ठीक है, देखो ये हमने पूरा कर लिया है और आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, पूरे सप्ताह के 7 दिन आए हैं, जैसे संडे ये रहा, मंडे ये रहा, ट्यूसडे ये रहा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, यानी कि 7 के 7 दिन हैं। इसके बाद एक आखिरी एक्टिविटी और है, क्या है? गिव सम मोर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द डेज ऑफ द वीक टू चिल्ड्रन, यू मे आस्क देम टू प्रिपेयर देयर क्लास टाइम टेबल इन देयर नोटबुक, यानी कि बच्चे अपनी क्लास की जो नोटबुक हैं उन पे टाइम टेबल अपना बना सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये आप पूछ रहे होगे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होती है, अल्फाबेट क्या होती है? बेटा देखो, जो हम ए बी सी डी करते हैं, ए यानी कि उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एच, आई, इस तरह से करते करते हम जाते हैं लास्ट में जेड तक, तो ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब क्या है, किसको करना है? नेम ऑफ डेज, जो हमारे ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होते हैं ना, इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो हमें पहले, सबसे पहले ए से शुरू होने वाला, अब ये देखो यहाँ पर ए से शुरू होने वाले कौन से हम देखेंगे, ए से कोई भी नहीं है, बी से कोई नहीं है, सी से, डी से, ई तक कोई नहीं है। उसके बाद एफ से शुरू क्या होता है? फ्राइडे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ से शुरू होने वाला फ्राइडे, जैसे मैं ये लिख रही हूँ एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, यहाँ कोमा लगा देती हूँ। एफ फ्राइडे के बाद में अब आप देखोगे एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे के एल, एल तक कोई नहीं है। उसके बाद एम से शुरू होता है और एम से क्या शुरू होता है? मंडे, तो हम यहाँ पर दूसरा क्या लिख देंगे? मंडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे, ठीक है। उसके बाद एम के बाद हम देखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस, आर तक कोई नहीं है, फिर एस से शुरू होता है, लेकिन एस से आप यहाँ पर ध्यान देंगे दो चीज़ शुरू हो रहे हैं, एक है सैटरडे और एक है संडे, यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो सैटरडे और ये संडे एस से शुरू हो रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे पहले कौन सा लिखें, तो इसके लिए क्या है, हम पहला अक्षर छोड़ देते हैं, अब दूसरा अक्षर देखते हैं, इसमें क्या है? यू और इसमें क्या है? ए। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा अक्षर पहले आता है, तो वो वाला हम पहले लिखेंगे। जैसे ए से शुरू करते हैं ना, ए बी सी डी, तो ए पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद में मान लो ये दोनों भी सेम हो जाते हैं, ए ए सेम हो गया, तो फिर हम उसके बाद क्या है, ये अक्षर छोड़ के अगला अक्षर देखते हैं कि भी कौन सा पहले आया है। लेकिन यहाँ हमें पता चल गया ए वाला आएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं सैटरडे, मंडे के बाद में क्या आया? सैटरडे। चलिए हम लिख देते हैं इसको फटाफट से, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे हो गया। उसके बाद अगला क्या बना था हमारा? संडे, एस से ही बना था ना, तो वो भी लिख देते हैं हम एस यू एन डी ए वाई, संडे हो गया। उसके बाद संडे एस तक पहुंच गए थे, एस के बाद देखो टी आ गया, टी वाले हमारे पास दो हैं, ये छोटा करके दिखाती हूँ, एक तो ये है थर्सडे, एक है ट्यूसडे, ठीक है। अब इनका टी टी मैच हो गया, अगला क्या है अक्षर? एच और एक में यू, तो इनमें से देखेंगे पहले कौन सा आता है, तो हम ए बी सी डी बोल लें तो पहले एच वाला आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? पहले थर्सडे, तो चलिए हम लिखते हैं थर्सडे वाला पहले आएगा, टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे, कोमा लगा देंगे। थर्सडे के बाद हमारा क्या रह गया? ट्यूसडे, हम यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे, टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे हो गया। एक और रह गया हमारा, क्या रह गया है? वेडनेसडे, टी टी के बाद यू वाला कोई नहीं है, वी नहीं है, डब्ल्यू वाला, तो डब्ल्यू वाला हमारा क्या बनता है? वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेडनेसडे, इस तरह से हमारा ये काम पूरा हो जाता है। आप यहाँ देखोगे हमारा सबसे पहले क्या बना? फ्राइडे, फिर मंडे क्योंकि एफ के बाद फिर एम आ गया है, फिर बना है सैटरडे, फिर संडे, चार ये हो गए, उसके बाद बना है थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से पेज नंबर 42 का हमारा काम पूरा हो जाता है। धन्यवाद।